Hello students, good morning. I am your Shraddha teacher. Today we will learn subject EVS. Our today's topic is Unit 4, our environment, and the topic is directions and time. So today we will learn about directions and time. So everyone, look at this picture, students. What do you see in this picture? Yes. See here. Here the sun rises. In which direction the sun rises? Yes. Sun rises in the east direction. And which direction the sun set? Yes. Sun set in the west direction. So remember everyone, the sun rises in the east direction and sun sets in the west direction. Okay, see, there are total four main directions. Which are they? East, opposite is west, north, and then south. These are four main direction. How we find the directions? Hum directions kaise find out kar sakte hai? Agar yahan pe hum राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े हैं, ये बॉय है, वो क्या किस कहाँ पे फेस किया उसने? राइजिंग सन. तो हमें पता है सनराइज कौन से डायरेक्शन से होता है? ईस्ट डायरेक्शन. सो हम अगर सनराइज हो रहा है वहाँ पे फेस करके खड़े हो जाएंगे तो वो साइट होगी ईस्ट डायरेक्शन. एंड एग्जैक्टली अपोजिट साइट इज द वेस्ट डायरेक्शन. ओके, एंड our left side is the north and right side is the south direction. Understood? So there are main four direction: east, west, north, south. Okay. और जैसे ही हम rising sun की तरफ face करके खड़े हैं तो वो side है east, opposite side is west. Left side is north and right side is south. Understood? Now, next is sub-directions. These are main four directions: east, west, north, south. Right? And there are four sub-directions also. Which are they? Northeast, southeast, southwest, and northwest. कौन से है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये क्या है? फोर सब डायरेक्शन है. फोर मेन डायरेक्शंस एंड फोर सब डायरेक्शंस. अंडरस्टूड? ये है डायरेक्शंस. नाउ वी विल लर्न द टाइमिंग. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. दिस इज द मॉर्निंग पिक्चर. मॉर्निंग में क्या हुआ है? ये जो बॉय है ये मॉर्निंग का पिक्चर है. वो क्या है? मॉर्निंग वॉक के लिए निकला है. एंड दिस इज़ द नून टाइमिंग. नून टाइमिंग मीन्स अभी आफ्टरनून हुई नहीं है बट मॉर्निंग ख़त्म होने को आया है. मीन्स एग्जैक्ट 12 o'clock के अराउंड का टाइमिंग, वो है नून टाइमिंग. देन है आफ्टरनून टाइमिंग. आफ्टरनून यानी कि दोपहर का टाइमिंग. नेक्स्ट है इवनिंग टाइमिंग. इवनिंग मीन्स आफ्टरनून के बाद और नाइट के पहले आने वाला टाइमिंग. इट्स इवनिंग टाइमिंग. एंड ये है नाइट टाइम, मीन्स रात का टाइमिंग. ये टाइम मैनेजमेंट भी किया कैसे किया जाता है टाइमिंग का, जैसे कि मॉर्निंग कब तक होती है, नून कब तक होते हैं, ये भी हम लर्न करेंगे. यहाँ पे दिया है, देखो, मॉर्निंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. मॉर्निंग का मॉर्निंग मतलब क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, यानी दिन का पहला पार्ट. जैसे दिन स्टार्ट होता है वो कौन से पार्ट से होता है? मॉर्निंग से स्टार्ट होता है. देन इज नून. नून इज द मिडल पार्ट ऑफ द डे, दैट इज 12 o'clock. नून यानी कि 12 o'clock का टाइमिंग. नेक्स्ट है आफ्टरनून. आफ्टरनून किसको कहते हैं? आफ्टरनून इज द पार्ट ऑफ द डे बिटवीन नून एंड इवनिंग. आफ्टरनून ये होता है नून एंड इवनिंग के मिडल का टाइमिंग. नेक्स्ट है इवनिंग. इवनिंग मीन्स क्या है? इज लेट आफ्टरनून एंड अर्ली नाइट टाइम. इवनिंग मीन्स
लास्ट एंडिंग में आया हुआ आफ्टरनून का टाइमिंग और नाइट से पहले वाला टाइमिंग जिसको कहते हैं इवनिंग. एंड नाइट इज द टाइम बिटवीन द सेटिंग एंड राइजिंग ऑफ द सन, मतलब सनसेट होने के बाद का टाइमिंग, जब तक सनराइज नहीं होता है तब तक जो टाइमिंग होता है उसको कहते हैं नाइट. अंडरस्टूड एवरीवन? So, what we learn in this topic? We learn about directions and time. Okay? There are four main directions. Which are they? East. Four main directions are east, west, north, south. Okay? And four sub-directions also. Northeast, southeast, southwest and northwest. Okay? And there are five parts of the day. Days के फाइव पार्ट्स है. फर्स्ट इज मॉर्निंग, देन नून, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो रीड दिस लेसन प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इट एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट. ओके, टिल देन बाय बाय.